हजारों एक्सीडेंट्स हुए, हजारों। और ये नेशनल हाईवे 66 बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। एक घंटे से फंसे हैं नेशनल हाईवे 66 और रोड का अभी अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे पैदल चलोगे तो जल्दी पहुँच जाओगे, और रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 10 साल से रोड ऐसे ही बना है, अभी तक सही नहीं हुआ है। नेशनल 66 हाईवे जो है वो सही नहीं है, बहुत सारे जगह पे डाइवर्जेंस हैं, तो आप मोस्टली अवॉइड करें। स्पेशली अगर आप बारिश में जा रहे हैं या नाइट में जा रहे हैं तो आप वो रूट ना लें, आप देख सकते हैं। और मैं जा रहा था ये रूट से मेरे दोस्त के साथ उसके गांव, और जो महाराष्ट्र में ही है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं जो है जा रहा था वहाँ पर क्योंकि बारिश का सीज़न था जब भी मैं जा रहा था, और माउंटेंस, वाटरफॉल्स, तो फिर ऐसी सडनली प्लान बना और फिर मैं निकल गया। माँ कसम अच्छा हुआ कांच नहीं खोला था मैं। रोड सही नहीं होने की वजह से काफ़ी लेट हो गए थे, तो सुनील भाई ने बोला कि यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप फिश थाली खाओ। तो फिर मैंने फिश थाली ऑर्डर किया, बहुत ही अमेजिंग थाली थी क्योंकि प्योर गावटी का जो खाना होता है वैसा टेस्ट था। और फिर खाना खाने के बाद जो है हम फिर आगे रास्ते के लिए निकल गए, और जब हम जा रहे थे तो फिर छोटे छोटे गाँव और बैंगलोर का जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था। आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो आप कभी ज़रूर जाइए, और आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जब जाएंगे तो आपको यही सेम व्यू मिलेगा, बहुत ही परफेक्ट। अभी हम लोग कौन से कहां पे जा रहे हैं भाई? कौन से ये अम्बेत है, सामने वाला जो दिख रहा है वो उसको मापनाड़ बोलते हैं। ओके। और हम, मेरा जो गांव है उसको पंदेरी बोलते हैं। तो अभी मैं पंदेरी गांव में जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है ये सावित्री नदी है। ये सावित्री नदी है, और यहाँ पे ब्रिज है एक्चुअली, लेकिन वो ब्रिज जो है 2 साल से रिपेयर नहीं हुआ है, इसकी वजह से यहाँ से अपने को जो है जेट्टी लेना पड़ेगा। वो एक पिलर है जो जिसकी वजह से पूरा जेट्टी रहता है, जेट्टी करना पड़ता है। कार भूल गया हूँ, वो आगे वाली तो कार नहीं है सेम कलर की। साउंड है? जरा पुड़े गया गाड़ी। अनि? पुड़े गया मैं आगे। फॉर्च्यून हो चाहिए कड़े? हाँ। फॉर्च्यून हो चाहिए थे? हाँ, देखो पार्टी में लागे दूसरी गाड़ी, पुड़े गया जरा जी। क्या पुड़े? क्या पुड़े? क्या पुड़े? क्या पुड़े? बस मारा पली कड़ा, मारा पली कड़ा, दाव जा, दाव जा, अभी गाड़ी जो लग रही है। और ये एसटी बस भी इस जेट्टी पे आएगी। मतलब जो जेट्टी का कैपेसिटी है वो कितना भाई? 18-20 गाड़ी एक साथ आ सकता है, और सिर्फ ये जो रूट है वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड का रास्ता है। और ब्रिज का पिलर आज तक रिपेयर हो रहा है? कभी से रिपेयर हो रहा है भाई? 3 साल हो गया।
3 साल से पिलर रिपेयर हो रहा है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ने जो है ये जेट्टी चालू की है, मतलब ये फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो अभी गाड़ी जो देखो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लग चुकी है। तो भाई महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे रोड सही नहीं है या सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो उनको दिक्कत होती है, सिटी से कनेक्टेड नहीं है रोड, और जो रोड है उसको गवर्नमेंट ने सही से मेंटेन नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट में आता रहेगा ना रोड, जो इंटरनल रोड है वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, और जो हाईवे है मेन जो हाईवे है वो जैसे नेशनल हाईवे हम लोग जो 66 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वो तो उन्होंने भी सही से मेंटेन नहीं किया, इसके वजह से हर जगह डाइवर्जन है, डाइवर्जन पूरा, इतने सारे पोर्टल्स, फिर बहुत रात में अगर कोई ड्राइव करेगा नेशनल हाईवे 66 पे तो फिर वो बहुत रिस्की है, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैंने पहली बार उतने इतना हजारों एक्सीडेंट्स हुए, हजारों एक्सीडेंट्स हुए और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी ये मैं तो ये रूट से ज़्यादा नहीं जाता हूँ, कभी नहीं गया हूँ, लेकिन जैसे अभी ये भाई तो डेली का जाते ही है, समझो महीने में एक बार राउंड हो जाता रहेगा ना आपका आराम से। तो जब आप गांव में आते हो तो आपको ये पहला इम्प्रेशन स्वागत करते हुए, ये तो जा ही नहीं रहे, तो जब भी आप गांव में आओगे तो इस तरीके से जो है आपको जानवर बहुत सारे जो है, ये अपने अब गांव मवेशी है, मवेशी है ना, मतलब जो पालते हैं ना एनिमल हस्बेंड्री वाला ना, जैसे फार्म ओपन करते हैं गाय और ये बछड़े उनके, बछड़े तो ये जो दूध का प्रोडक्शन होता रहेगा ये लोग फिर जो है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं फ्रेश होके रेडी हो गया हूँ, और गांव का इतना अच्छा इन्वायरमेंट रहता है कि यहाँ पे सो जाओ, रात में मैंने सोया तो सुबह में 8:30 बजे, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि मुंबई में जो है मैं 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर्स रहते मेरे 8 बजे के, सो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे सोने के बाद जो है मैं 8:30 बजे के बाद जो है उठा, क्योंकि यहाँ का जो नेचर और इन्वायरमेंट इतना अच्छा था कि बस नींद खुली ही नहीं, बस सोया रह गया। और ये जो गांव है बहुत ही ब्यूटीफुल पंदोही गांव है जो पहाड़ों के बीच में, और बहुत सारे यहां पे आसपास में थोड़े लाइक 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में और भी बहुत सारे महाराष्ट्र के विलेज हैं, और विलेज में जो है इलेक्ट्रिसिटी तो है अवेलेबल, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इन्वर्टर भी रखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का उतना बड़ा इशू नहीं है, बट सबसे बड़ा इशू है मेडिकल फैसिलिटी जो यहाँ पर नहीं है और दूर दूर तक भी नहीं है। और कल के दिन मैं आया था लेकिन यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना ये पहाड़ भी नहीं दिख रहा था, इतना तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं कल बाहर जा नहीं पाया और आपको कुछ दिखा नहीं पाया विलेज में सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो है नेटवर्क भी नहीं था, ना ही इंटरनेट था, कोई सोर्सेज नहीं यहाँ पे, और कल के दिन इस गाँव में जो है किसी की डेथ भी हो गई थी, तो उनको आने के लिए जो है लगभग 8 से 10 घंटे लग गए थे, मतलब रात में 10 बजे के आसपास वो पहुँचे थे, वो भी पता नहीं कैसे गाड़ी का हायर अमाउंट पे करके वो। और मैं आपसे बात ही कर रहा था, देखो वापस से बारिश आ गई, वापस से तेज से बारिश आ गई, तो विलेज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, यहाँ के लोग जो है पहले के टाइम पे जैसे लाइफ में रहते थे वैसे ही लगभग उसी टाइप का चल रहा है, कि यहाँ पे कोई बड़ा मार्केट या कोई हॉस्पिटल्स या फिर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना, अचानक से इमरजेंसी में कोई आ सके, तो यहाँ पे वही लोग मोस्टली जब भी आते हैं तो खुद की गाड़ी से आते हैं, या तो पहले से ही क्या करते हैं कि वो बुक कर लेते हैं गाड़ी वहीं से स्टेशन से मानगांव से, फिर यहाँ पे आते हैं। सो पदोही विलेज है, इसके अलावा आसपास में बहुत सारे विलेज हैं लेकिन वही सेम प्रॉब्लम है, और यहाँ पे सिर्फ BSNL का सिम चलता है, मतलब BSNL चलता है तो जिससे बात हो जाती है, वो भी बाहर जाना पड़ता है दूर। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से
मैं यहाँ पे रात में रुका, यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा फ्रेश फील कर रहा हूँ और ये व्यू देख के। और अभी यहाँ से 10 या 10:30-11 बजे के आसपास में जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे, एक दूसरे का जाएंगे, तो आपको रास्ते में और कुछ चीज़ें जो दिखेंगी, क्योंकि कल बारिश हो रही थी तो कुछ दिखा नहीं पाया था, बट अगर आज दिखेंगी तो मैं जो है आपको जो है इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है।